आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू रिएजेंट। इससे पहले मैं ऑलरेडी दो रिएजेंट पे लेक्चर बना चुका हूँ, लगभग 7 या 8 लेक्चर आ चुके हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट वाले जो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अपने जो यहाँ पर इस चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस मतलब उन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी, प्लस प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम सबसे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम रिएजेंट को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो रिएजेंट है वो बोरोन हाइड्राइड होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। इसके बेस पर हम एल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है अदर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके बेस पर कुछ रिएक्शन भी फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर B2S6, इसे कहा जाता है डाइबोरेन। अगर हम डाइबोरेन की बात करते हैं तो ये बोरोन की, अगर हम यहाँ पे डाइबोरोन की बात करते हैं तो ये डाइमर यूनिट होती है, डाइमर यूनिट होती है। डाइमर का मतलब होता है कि दो यूनिट आपस में कंबाइन होकर एक डाइबोरेन बनाती है। सपोज मैंने क्या किया, BS3+BS3, तो क्या बना अपने पास, B2S6 डाइबोरेन बन गया, ठीक है ना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे बोरोन फिर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यहां पे जो दो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये एक प्रकार के बैक बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसे कहा जाता है बनाना बंद। बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। दूसरी यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर इंपोर्टेंट बात होती है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज 3 सेंटर कैसे, एक सेंटर यहां पे होता है, हम बाद में कोई अगर लेक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। मैन फंक्शनल ग्रुप पे अगर हम लेक्चर बनाएंगे तो एक सेंटर यहाँ पे होता है, दूसरा सेंटर यहाँ पे, तीसरा सेंटर ये, तो 3 सेंटर हो गए। इसके अंदर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक इस बोरोन का, एक हाइड्रोजन का, और ये वैकेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाता है तो अपने पास क्या बन गया, BS3। ये जो BS3 बना है वो उसकी कहलाती है मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट का मतलब होता है एकलक इकाई। अगर हम यहां पर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, संकरण की, तो एक बात देखो, यहां पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो आपको पता है जब 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3, 3 वैलेंसी होती है तो आपको पता है sp2, 2 और 1 3, तो इसका संकरण कौन सा आ गया, sp2। अब इंपोर्टेंट बात यहां पे ये होती है कि डाइबोरेन, डाइबोरेन जो होता है इसकी डाइमर यूनिट तो ये हो गई अपने पास, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो यहाँ पे उपयोग में ली जाती है मोस्टली एक रिएजेंट के रूप में। तो हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज और होती है, इसके अंदर होता है वैकेंट पी और बैटल, वैकेंट पी और बैटल। यहाँ पे एक खाली कक्षक होने के कारण ये जो BS3 होता है एक स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। अगर इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो देखना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्ड बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस शेल में हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात यहां से हमने अभी तक ये जाना कि डाइबोरेन जो होता है एक प्रकार की, जो डाइबोरेन होता है एक प्रकार की डायमर यूनिट होती है, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है इसको हम यहाँ पे बेसिकली ये हाइड्राइड होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये आती है इसके अंदर कि इसके अंदर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है जो किसी से भी ऑक्सीजन यानी अपने
किसी से भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कौन सा हो गया, sp2। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो कौन किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होते हैं मोस्टली, है ना। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, देखो इसके बारे में आगे हम स्टडी करते हैं इसके। तो यहाँ पर जो डायबोरियन है उसकी हम रिएक्शन कैसे कैसे करवाते हैं, हम आगे इसको प्रोसीड करने वाले हैं। अब सपोज करो, देखो इधर हमारे पास कोई इथर आ गया, मेरे पास इथर है R O R, ठीक है ना, इथर है। अगर मैं इसकी बोरोन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, यहाँ पर BH3 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो आपको पता है ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर जब वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है तो आपको पता है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, बोरोन को, और बोरोन को जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमारे पास जो स्पीसीज बनी है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, वो लोन पेयर देगा किसको, बोरोन को। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंबाइंड स्पीसीज बनी है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड बना है यानी इसने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग की है, और यहाँ पे जो बोरोन है वो क्या है, एज ए एक्सेप्टर, ठीक है ना, एक्सेप्टर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, डोनर है। ये सब आप पढ़, डोनर है ना। तो ये सब आप पढ़ते हैं ना हम 10th क्लास से, कि हम अगर हम बात करते हैं लुईस एसिड और बेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे डोनेट करेगा। अरे जिनके पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो हम बोल सकते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक एक्सेप्टर होता है, दूसरा क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन भी होती है, जिसके जिसके पास अगर लोन पे रहे तो वो आराम से इसको ये जो इलेक्ट्रोड है आराम से दे सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट प्योर पैटर्न है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पर है एज ए न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड एज कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन पर। तो इनकी आगे रिएक्शन क्या होती है वो हम आगे वन बाय वन हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ये तो सिंपल रिएक्शन थी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात यह है BH3, मैंने ये बोला था कि रिएजेंट के रूप में क्या उपयोग में लिया जाता है, BH3 बोरोन हाइड्राइड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इसका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो यूज में लिया जाता है वो होता है इथर, ठीक है, प्लस जल, प्लस उसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी सल्फाइड, ये सब इसका सॉल्वेंट होता है, यानी इथर के अंदर भी घुलता है वो, H2O के अंदर या जल के अंदर भी घुला जा सकता है। दूसरा अगर हम इंपोर्टेंट अगर हम बात करते हैं इसमें सॉल्वेंट की, वो होता है THF। इसकी हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि THF क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जिसकी स्ट्रक्चर ये, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जो आराम से इसके पास अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको आराम से डोनेट कर सकता है। सपोज यहाँ पे होता क्या है कि किसी रिएक्शन के अंदर मैंने एक्स लिखा और यहाँ पे मेंशन आपके होता है B2H6, मिलेगा ये 100% डायबोरिन मिलेगा, और आपको मिलता है THF और यहाँ पे जल, और आगे पूछा जाता है प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इनकी भी रिएक्शन करेंगे तो आगे बनता क्या है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है अपना मतलब IIT और नीट के स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला, दूसरा यहाँ पे जो 12th के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक ही रिएक्शन आने वाली है, वो होती है हाइड्रोबोरोनेशन,
ठीक है ना, तो हम उसी चीज को प्रोसीड करने वाले आगे, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो रिएजेंट लेके हम चले हैं वो हम ये मानते हैं कि यहाँ तक जो सी एस आई या जो नेट के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से हर बार मतलब कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकलते ही है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन भी आते हैं नेट या मतलब नेट के अंदर, और प्लस आई आई टी और जेम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हम इस चीज को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। अब उसके बाद देखो बीएसटी में सोलवेंट आ गया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक चीज और नोट डाल के रखना यहाँ पर कि बीएसटी जो होता है जिसका एडिशन होता है, देखना एडिशन जो होता है, मैं सबसे पहले ओलिफिन की बात करूंगा, ओलिफिन की बात करते हैं, ओलिफिन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एल्किन की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, केवल एल्किन की, हम केवल हाइड्रोकार्बन में एल्किन को लेके चले सबसे पहले बेसिकली ओलिफिन की। तो जब इसका एडिशन होता है वो होता है सिन एडिशन, सिन एडिशन नंबर एक पॉइंट, सिन का मतलब होता है एक ही दिशा में जुड़ते हैं वो, चाहे ऊपर या नीचे, ठीक है। दूसरा यहां पे जो मैकेनिज्म होती है वो होती है कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब ये मैकेनिज्म कौन सी होती है, इसके अंदर ये नहीं बनता कि हम इंटरमीडिएट बना लेते हैं, कोई कार्बोकेटाइन बना लेते हैं या कार्बोनेटाइन बना लेते हैं, सब कुछ भी नहीं बनता, इसके अंदर एक स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है, फोर मेंबर, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसके अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो पॉइंट है इस चीज को ध्यान रखना। नंबर तीन, नंबर चार पॉइंट क्या होता है कि जो बीएसटी होता है, बीएसटी जो होता है लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, हिंडर्ड साइड प्लस यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करेगा, साइड से अटैक करेगा। इसका मतलब क्या होगा, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एल्किन है, देखना हमारे पास ये एल्किन आ गई, ठीक है। अब बीएसटी देखना यहाँ पर, अगर हम इस एल्किन की यहाँ पे दूसरे एग्जांपल देते हैं सिंपल सा ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, यहाँ पे देखो मेरे पास ये एल्किन है, तो बीएसटी जो होता है, बीएसटी बोरोन जो बीएसटी होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा, बोरोन यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी प्रतिस्थापी लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं लगा हुआ है, तो बीएसटी कहाँ पे ऐड होगा, बोरोन यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड और लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड की तरफ ऐड होगा, यहाँ पे ऐड मत करवा देना बोरोन को, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। बोरोन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा बोरोन, ठीक है ना। वो कैसे होती है हम रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें हमें, सबसे पहला सिनेडिशन होता है, नंबर दो ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है, नंबर तीन पे फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बीएसटी जो होता है लेस हिंडर्ड साइड या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड की तरफ अटैक करेगा। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका एडिशन होता है, ध्यान से सुनना, जब सिन एडिशन होता है वो होता है मार्कोनी, को नियम के आधार पर होता है, जो मार्कोनी कोफ का नियम होता है ना उसके अकॉर्डिंग एडिशन होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनी कोफ, मार्कोनी कोफ का नियम यहां पे फॉलो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो रूल्स हैं मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं ना जूनियर क्लासों में, हम ये चीज पढ़ते हैं, मतलब कि जहां पर हाइड्रोजन वहां वहीं पे अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या लेस देन होती है। मेरी बात ध्यान से सुना, अगर हम सपोज मेरे पास ये आ गया CH3CH2OH, ठीक है ना, ये एल्किन पे लागू होता है। और दूसरी बात, यहां पे कौन सी एल्किन पे लागू होगा, अनसैचुरेटेड एल्किन पे लागू होता है मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ,
यहाँ पे अगर आपके कभी ये आ जाता है तो कभी मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ का नियम लागू नहीं होता है, ये सैचुरेटेड एल्किन है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये होती है अनसैचुरेटेड एल्किन, इसका मतलब हो गया एक प्रतिशत जुड़ाव यहाँ पे समान नहीं है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन चिपक जाता है, यहाँ पर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है, अगर वहां पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है तो वो कहलाता है मार्कोनिकोफ का नियम। अगर हाइड्रोजन विपरीत दिशा में जाके जुड़ता है यहाँ पर तो वो कहलाता है एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, ठीक है ना। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या यहाँ पे हमने इसके बारे में जो पढ़ा वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पे जो एडिशन होता है ध्यान जो एडिशन होगा वो तो मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हम इस चीज को प्रोसीड करते हैं हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोबोरोनेशन में प्रोसीड करते हैं ओलिफिन्स में। तो स्टार्ट कर देते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ट्वेल्थ में भी आपके रिएक्शन है इसको देखना। जब एल्कोहल की हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये रिएक्शन आती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोबोरोनेशन, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन है एल्किल में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारे पास ये मेंशन होता है B2S6 और यहाँ पे THF और यहाँ पे इथर भी मेंशन होता है प्लस H2O प्लस ये भी मेंशन होता है और यहाँ पे लिया जाता है हाइड्रोजन ब्रोक्साइड OH- आयन, ये सब भी यहाँ पे मेंशन होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है CHH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है ना। इसे कहा जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। देखो यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ जुड़े तो कौन सा एडिशन हुआ, सिन एडिशन। मेरी बात सुना रहे, ध्यान से सुना, नीचे की तरफ जुड़े सिन एडिशन। नंबर दो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इंटरमीडिएट जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अगर हम यहाँ पे देखें ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है वो होती है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अगर हम बात करते हैं 4 कार्बन की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो एडिशन होता है वो होता है मार्कोनी को नियम रूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हमने ये सब लिखा है ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज पूछी जाती है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आते भी हैं। तो देखना यहाँ पर कि B2S6 मेंशन जरूर होगा, कभी ये चीज मेंशन नहीं होगी BH3। देखो इधर आपको कभी ये चीज नहीं मिलेगी BH3, कभी नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा B2S6, ठीक है ना। तो हम इस चीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 by 1 इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर एक चीज और, यहाँ पे 3 एल्किन 3 मोल एल्किन की ली जाती है हमेशा, और जब इसके अंदर 3 मोल एल्किन की ली जाती है और 1 मोल रिएक्ट करता है BH3 के अणु के द्वारा और हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ऑलवेज याद रखना। सपोज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर सेम का सेम रिएजेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया सब कुछ, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ेगा सेम का सेम, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया एक साइड में जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ गया OH, तो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इस चीज को एक बार देखना कहीं पर अगर आपको मिले बुक्स में भी, तो इस चीज को देखना कि हमसे ये चीजें सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। तो हम इस चीज की मैकेनिज्म को लेके चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो देखो ये जो मैकेनिज्म होती है वो होती है 3 स्टेप में,
थ्री स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है हाइड्रो बोरेशन, सबसे पहला स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन। सेकंड नंबर जो स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का, और थर्ड नंबर जो स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस का, यानी जलावकटन। और यहां पे ऑक्सीकरण क्रिया और हाइड्रोबोरोनीकरण क्रिया, तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर इसके अंदर क्या होता है, जो ओलिफिन होती है एल्किन, उसके मोल दिए जाते हैं 3 मोल, और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है B2S6 और DHF के साथ। देखो हर वो चीज मैं अलग अलग प्रोसीड कर रहा हूं यहां पर। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 CH2 एंड CH2, 3 मोल है इसके। तो यहां पे CH3 CH2 एंड CH2, उसके बाद आता है CH3 CH2 एंड CH2, और यहां पे तीनों के साथ जुड़ा है बोरोन। ठीक है, ये हमारे पास ओलिफिन है, ओलिफिन्स, ठीक है, या एल्किन बोल सकते हैं हम। तो यहां पे जो बना इसे बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बना? ट्राई एल्किल बोरेन बना। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है ऑक्सीडेशन में, हमारे पास जो ट्राई एल्किल जो बोरेन है इसका ऑक्सीडेशन होता है H2O2 और यहां पे OH आए, यानी हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास बनता है CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन, और यहां पे 3 के 3 ऐसे कैसे मोल बन जाते हैं हमारे पास। ऑक्सीजन और यहां पे बोरोन, इसे बोलते हैं ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। क्या बनता है? ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। यहां पे अगर मैं इस यूनिट को यहां पे मेंशन कर देता हूं, देखो हमने क्या किया, इस चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया ऑक्सीजन, और यहां पे 3 मोल और यहां पे बोरोन। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है इसका OH आयन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HCH2OH, और यहाँ पे 3 मोल को 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद बनता है H3BO3 हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो ये जो तीनों की तीनों स्टेप है इसको 1 by 1 हम मैकेनिज्म के थ्रू ही सोल्व करेंगे कि हाइड्रोबोरोनेशन में ये सब कैसे बना, उसके बाद ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ट्राई एल्कोक्सी बोरेन कैसे बना, हमारे पास ट्राई एल्कोक्सी बोरेन कैसे बना, और ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको हम 1 by 1 सोल्व करेंगे यहाँ पर, फिर मैकेनिज्म को प्रत्येक स्टेप को लेकर। ठीक है ना, तो इस लेक्चर के अंदर केवल इतना है यहाँ पर, और लास्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी चीज को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। और प्लीज मतलब सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको ये चीजें सब कुछ समझ में आ रही है, कंसेप्ट अगर हम हमारे क्लियर हो रहे हैं हर चीज के, तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना इस वीडियोस को, मतलब जितने भी वीडियो हैं उसको लाइक और शेयर जरूर करना, प्लस सब्सक्राइब भी जरूर करना, चाहे कुछ भी हो इस चीज को मतलब फॉलो जरूर करना। कि अगर एक तो चीज ये होती है कि हमारे कुछ चीज समझ में नहीं आती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप वो चीज बोल सकते हो कि हमें ये चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आई, तो उस चीज को आप वीडियो को पॉज करके देखो कि वो चीज कहाँ पे समझ में आई, जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करो, वहां पे हर वो चीज मैं बताता हूँ जो यहाँ पे नहीं दिखाई जाती बोर्ड पर, लेकिन मैं उसके साथ बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जर्नी।